राष्ट्रीय अध्यक्ष और निवर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव की ओर से विक्रमादित्य मार्ग पर हेरिटेज होटल निर्माण के लिए मानचित्र का आवेदन लखनऊ विकास प्राधिकरण में किया गया है, जबकि उनके पिता पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की ओर से भी विक्रमादित्य मार्ग के एक अन्य प्लॉट पर पुस्तकालय और वाचनालय निर्माण के लिए नक्शे का आवेदन किया गया है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने भूखंड संख्या 1 के विक्रमादित्य मार्ग पर हिबिस्कस हेरिटेज नाम से होटल निर्माण के लिए LDA में मानचित्र आवेदन कुछ समय पहले किया था। मानचित्र संबंधी दस्तावेज जमा किए गए हैं। 1 के विक्रमादित्य मार्ग पर यह बंगला अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव के साथ मिलकर वर्ष 2005 में ज्वाला रामनाथ पत्नी स्वर्गीय कमलनाथ रामनाथ से 39 लाख रुपए में खरीदा था। LDA ने इसका फ्री होल्ड भी उसी समय कर दिया था, तब LDA के उपाध्यक्ष BV सिंह थे। दूसरी ओर मुलायम सिंह यादव के नाम दर्ज विक्रमादित्य मार्ग स्थित भूखंड में भी वाचनालय और पुस्तकालय का निर्माण होगा, इसके लिए भी मानचित्र पास करने का आवेदन किया गया है। जम्मू कश्मीर में PDP भाजपा गठबंधन टूटने के बाद 20 जून से राज्यपाल शासन लागू है, लेकिन अब यहां नई सरकार बनने की चर्चा तेज हो गई है। न्यूज एजेंसी ने भाजपा के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेता भाजपा के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की राजनीति में सुनामी लाने के लिए तैयार है। इसके लिए PDP और कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के बागी और असंतुष्ट नेता कुछ दिनों में एक साथ आ सकते हैं। यह चर्चा तेज इसलिए हुई क्योंकि बीते 27 जून को ही भाजपा नेता राम माधव ने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन से मुलाकात की थी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक कांग्रेस ने सोमवार को दिल्ली में आपात बैठक बुलाई। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और PDP के कुछ बागियों का समर्थन हासिल करने पर विचार किया गया। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद शामिल थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की स्थिति पर चर्चा की है। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। फुर्सतगंज में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार, PM मोदी, BJP और RSS पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश के सामने 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी, किसानों की खराब हालत और महंगाई। उन्होंने कहा कि अगर इन पर नियंत्रण कर लिया गया तो देश की समस्याएं दूर हो जाएंगी। बेरोजगारी की समस्या दूर होगी तो महंगाई कम होगी और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर राहुल गांधी ने तर्क कसते हुए कहा कि यह मोदी सरकार से संभव नहीं है। मोदी सरकार बुलेट ट्रेन तो नहीं बना सकती, लेकिन मैजिक ट्रेन जरूर बना सकती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बुलेट ट्रेन का सपना पूरा कर सकता है तो वह केवल कांग्रेस की सरकार कर सकती है। प्रदूषण शब्द सुनते ही दिल्ली वासियों को डर लगने लगा है। जी हाँ, आए दिन प्रदूषण को लेकर कोई न कोई रिपोर्ट आती रहती है। प्रदूषण रोकने के लिए कई तरह के कदम भी उठाए जाते हैं। ये कदम सही दिशा में उठ भी रहे हैं या नहीं, ये आंकड़े जो प्रदूषण स्तर की जांच करते हैं ये कितने सही हैं, या एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब ये प्रदूषण को खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक 2 महीने के भीतर पॉल्यूशन लेवल की सही जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब तक हवा में कितना प्रदूषण है इसका बस अंदाजा ही लगाया जा रहा था, लेकिन अब हवा में प्रदूषण करोड़ों की जांच होगी और एक सटीक आंकड़ा तैयार होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने पॉल्यूशन पर स्टैंडर्ड बनाने की जिम्मेदारी NPL को सौंप दी है। अगले 2 महीने में दिल्ली में प्रदूषण स्तर की जांच करने वाली सभी मशीनों को NPL से सर्टिफिकेशन लेना होगा। NPL प्रदूषण की रेंज की जांच करेगा, इससे हवा में उपलब्ध हानिकारक कणों की सही जानकारी मिल पाएगी। इसे विंड टनल कहते हैं।